मेरा नाम प्रियंका है और आज ये जो स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन जो अपनी क्लास प्रोवाइड कर रही है, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा ये सीखा कॉन्फिडेंस कैसे कैमरे को फेस करना है। और आज जो इन्होंने सिखाया वो है कैमरे को कैसे हैंडल करना है, देन वीडियो कैसे बनाने हैं। और बाकी ये जो स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन का ये जो पहल है वो बहुत अच्छी है, इसमें बच्चे काफ़ी कुछ सीखेंगे। मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक न्यूज़ चैनल में काम करती हूँ, तो मुझे परफेक्ट वीडियो बनाना आज मैं सीख जाऊँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशिका, मैं यहाँ पे हूँ स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन के साथ, जहाँ पर वो हमें मोबाइल फिल्म मेकिंग सिखा रहे हैं। मुझे यहाँ की बेस्ट चीज़ लगी कि वो लोग इतने कोऑपरेटिव एंड इतने लीनियंट हैं और इतने प्यार से सब कुछ एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मैं सुबह से इनके साथ हूँ एंड इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मैं इसमें अपना करियर आगे डिसाइड चूज़ कर सकती हूँ इसी चीज़ को लेकर, जिसका मुझे लगता है बहुत स्कोप है एंड इससे मैं अपना नाम भी बना सकती हूँ। स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन के लिए मैं थैंक यू सबसे पहले कहूँगी उनको, एंड ये बहुत अच्छा चांस दे रहे हैं जो पंत नगर के अंदर अपनी वर्कशॉप करा रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को मीडिया की, प्रोडक्शन की, फिल्म मेकिंग की बहुत ज़्यादा और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेरा नाम कीर्ति तिवारी है और अभी तक मुझे सबसे अच्छा ये विकास सर का लगा कि वो उन्होंने मुझे, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई, जो कि मैं हर बात में बहुत नर्वस हो जाती हूँ, और वीडियो क्लिक करना, वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना मुझे अभी तक नहीं आता था। और सबसे बेस्ट ये लगा कि हर चीज़ सर ने यहाँ पे लाके वर्कशॉप जो किया, उससे सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे पता चली। हेलो एवरीवन, मैं दीपिका पांडे, मैं पन्नागर से हूँ। स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन की 2 दिन की वर्कशॉप में मैंने ये सीखा कि कैसे कैमरा को हैंडल करना होता है। और बेसिकली हम लोग अपने मोबाइल, एक मोबाइल हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे शौक़ है कि मैं नेचर की फ़ोटोग्राफी करूं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि फ़ोटो अच्छी आती नहीं है, कभी हमें वीडियोस बनानी है वो अच्छी बन नहीं पाती है। तो इस वर्कशॉप के जरिए मैंने ये जाना कि कैसे मुझे अपने कैमरे को हैंडल करना है, कैसे मुझे अच्छी वीडियो बनानी है, कैसे अच्छी फ़ोटो खींचनी है। नमस्कार, मैं रंभा कुमारी, मैं पंत नगर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मैं PhD फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से कर रही हूँ। यहाँ 2 दिनों का स्टार्टअप प्रोडक्शन मीडिया प्रोडक्शन वर्कशॉप प्रोग्राम चलाया गया है। यह प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। मैंने शॉर्ट मूवी बनाना सीखा और भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग एडिटिंग करना मुझे सिखाया गया। नमस्कार, मैं नेहा आर्या, इस विद्यालय की छात्रा, और इस वर्कशॉप के तहत मैंने डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोबाइल एक अच्छा माध्यम है वीडियोज़ बनाने का उन युवाओं के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और ये वर्कशॉप हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि हम कैसे अपनी छोटी सी जेब में जो मोबाइल होता है उसे यूज़ करके ढेर सारी ब्यूटीफुल वीडियोस बना सकते हैं और अपना कैरियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं। तो ये वर्कशॉप हम जैसे युवाओं के लिए एक अच्छा क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम और अच्छी उन्नति कर सकते हैं और इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो मोबाइल का यूज़ कीजिए और अपनी वीडियोज़ बनाइए और अपने आसपास की वीडियोज़ बनाइए और उसको प्रचार कीजिए और अपना नाम कमाइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संज्ञा है और मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ GBPIT पन्नागर की। तो सबसे पहले मैं स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन और इस मोबाइल फिल्म मेकिंग वर्कशॉप को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली अपना स्टडी, और सिंस मैं एक PhD स्टूडेंट हूँ तो फिर रिसर्च बेस्ड ही एवरीथिंग चलता रहता है, कोर्सेज एंड ऑल। तो ये एक हमारे लिए बहुत नई चीज़ है, बिकॉज फ़ोन सबके पॉकेट में रहता है बट एक्चुअली उसका यूज़ कैसे करते हैं ये हमें नहीं पता रहता है। तो थैंक यू कि आपने हमें वीडियोग्राफी कैसे करते हैं और एक अच्छा शॉट कैसे लेते हैं वो सब चीज़ दिखाई। इन एडिशन टू दैट आपने बहुत अच्छा एक हमने एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है, तो उसके लिए भी थैंक यू। और इस तरह की वर्कशॉप्स अगर और आएंगी तो मुझ जैसे स्टूडेंट जो जिनका ठीक एजुकेशन चल रहा है लेकिन इसमें भी जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन पंत हूँ। मैं अभी रिसेंटली यहाँ PhD स्कॉलर हूँ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट होम साइंस कॉलेज में, और आज हमने जो अटेंड किया है, इवन कल से हम एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं जो कि बेसिकली डिपेंड करती है कि कैसे आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हो, कैसे एक प्रोडक्शन आप अच्छा कर सकते हो। तो ये हमारे लिए तो बहुत एडवांटेज करा है कि इन फ्यूचर अगर कभी हमें कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाने हैं जो हमें किसी एकेडमिक ट्यूशन के लिए
ईजी हो सके, स्टूडेंट को टीच करने के लिए ईजी हो सके, तो मेरे को उस चीज़ का काफ़ी एडवांटेज लगा है। और इसके साथ ये काफ़ी फ़न रहा है, प्रैक्टिकल लर्निंग काफ़ी रही है। मुझे लगता है एक दिन बहुत कम है इसके लिए, थोड़ा लंबा टाइम होता तो और ज़्यादा सीखने को मिलता। ओवरऑल इट वॉज़ फ़न और लर्निंग अच्छी हुई है। मेरा नाम निधि परमार है और मैंने ये दो दिन से जो स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन की तरफ से जो ये एक वर्कशाला का आयोजन किया गया उसमें भाग लिया। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि कैसे हम एक अपने नॉर्मल एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कैसे एक अच्छी वीडियो फिल्म बना सकते हैं जिसको हम एज अ कमर्शियल लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस कैंपस में, पन्नगर कैंपस में या पूरे उत्तराखंड में, इस तरह की वर्कशालाओं का आयोजन विथ टाइम के साथ हम करते रहें जिससे बच्चों में अवेयरनेस आ जाए कि आप इसको एक दूसरे लेवल पे भी ले जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कंचन शीला। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय पीएचडी और स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन की जो ये वर्कशॉप आयोजित की गई है इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और इससे मैंने सीखा कि कैसे मैं एक छोटे से मोबाइल फ़ोन से अपने जो स्टडी एरिया जो मेरा है उसमें कैसे मैं इफ़ेक्टिव तरीके से एक अच्छा मैसेज दे सकती हूँ, अच्छा काम कर सकती हूँ, अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। मैं स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही वर्कशाला और भी आयोजित की जाए। नमस्कार, मेरा नाम विवेक थपलियाल है और मैं इस यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस से पीएचडी कर रहा हूँ। और इस वर्कशॉप में, स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन द्वारा ये वर्कशॉप जो हो रही है, इसमें आके मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि एक हमेशा से एक इच्छा थी कि कुछ वीडियोस मैं भी बनाऊं और किस तरीके से, लेकिन वो कैसे बनाया जाए उसका स्किल मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था। लेकिन यहाँ आके सीखा कि किस तरीके से क्या क्या उसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है किसी एक वीडियो को बनाने के पीछे, और बेसिक जो उसकी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो किस तरीके से उसको पूरा किया जाता है। और सच में यहाँ आके बहुत कुछ सीखा और स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन से बस एक और एक रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी वर्कशॉप्स आगे भी होती रहें और कुछ और हमें कुछ नया सीखने को मिले और बाकी बच्चों को भी, तो यही चाहते हैं। हाय, myself Vibha and I am pursuing MSc from Soil Science in this university and I have done this 2 days workshop which is presented by Startup Media. मेरे को नेचर और नेचर की वीडियोस बनाना, फ़ोटोज़ बनाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस तरीके से मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटो खींचूँ जिसको अप्रिशिएशन भी मिले और यूनिवर्सिटीज़ की कुछ नेचुरल चीज़ों को आगे, मतलब मैं प्रमोट कर पाऊँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी वर्कशॉप होती रहना चाहिए और हमारे यूथ को आगे जो इसको करियर की तरह ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा नैथानी है, मैं इस यूनिवर्सिटी से कॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी से एमएससी परस्यू कर रही हूँ और ये मैंने 2 दिन की वर्कशॉप की थी स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है कि मैं मोमेंट्स को कैप्चर करूँ और उनको फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखूँ ताकि जब भी मैं उन फ़ोटोग्राफ्स को देखूँ या उन वीडियोज़ को देखूँ तो मैं फिर से पास्ट में उस मोमेंट की फीलिंग में चली जाऊँ। बट प्रोफेशनली ऐसा हो नहीं पाता हमसे, हम कितनी भी कोशिश करें हम एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर की तरह एक फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। तो इस वर्कशॉप के थ्रू मैंने ये सीखा कि कैसे मैं एक मोमेंट को बेहतर तरीके से कैप्चर कर सकती हूँ एंड दिस वर्कशॉप वॉज रियली हेल्पफुल इन डेवलपिंग माई स्किल्स एंड आई एम रियली थैंकफुल टू स्टार्टअप प्रोडक्शन मीडिया हाउस। एंड एक गुजारिश बस उनसे यही रहेगी कि वो ये वर्कशॉप्स कराते रहें और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में कराते रहें। थैंक यू। आशीष कुमार श्रीवास्तव, यहाँ वर्कशॉप में बहुत अच्छा फिल्म निर्माण के बारे में, वीडियो बनाने के बारे में बहुत अच्छा विकास जी हैं और विकास जी वगैरह ने काफ़ी अच्छा बताया, बच्चों को सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे फिल्म निर्माण में कैसे कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे वर्कशॉप में बताया जा रहा है। ये बच्चों को इसमें वीडियो बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। जो हम लोग 2 दिन से ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं जिसमें जो है इमेजिंग के लेकर के, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के, साउंड एडिटिंग सिस्टम के बारे में जो बताया जा रहा है, ये काफ़ी ही एक बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं जिसमें जो है हमें सीखने को मिल रहा है। हम अपने लाइफ में बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, अच्छी पिक्चर्स भी नहीं आ पाती है। अगर हमें पता था, अगर हमें ये चीज़ें मालूम हो जाती है, जैसे इस वर्कशॉप के द्वारा मालूम चली है कि इस एंगल से फ़ोटो जो है अच्छा आता है, तो वो चीज़ें क्या होगी कि फ़ोटो एक अच्छी आएगी।
और बहुत सारे फ़ोटो, जैसे हम लोग बहुत सारे क्लिक करते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं ठीक है जिसमें अच्छी फ़ोटो की तलाश होती है, तो हम गूगल पर सर्च करते हैं वरना इमेज बाज़ार पर जाते हैं, फ़ोटो को परचेस करते हैं। अगर वो टेक्निक्स हम सीख जाएँ कि चाहे वो लाइव मोमेंट्स हो या फिर स्टिल मोमेंट्स हो, जैसे भी हो, हम फ़ोटो और वीडियो बनाना सीख जाएँ जिसमें पिक्चर्स अच्छे आएँ, चाहे वो इंसानों के हो, फूल पत्ते के हो, जानवरों को, जो भी हो, एनिमल्स के हो, तो एक अच्छी चीज़ें जो है हम लोग इसे सीख रहे हैं। कहने का पूरा मतलब ये है कि इसमें जो है इमेजिंग से लेकर के स्टिल वीडियो से, स्टिल फोटोग्राफिंग से लेकर के वीडियो फोटोग्राफिंग तक के बहुत ही अच्छा जो है विकास जी ने बताया कि जो वर्कशॉप है इन्होंने अच्छा चीज़ें, अच्छी टेक्नोलॉजी बताई, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी। अभी एडिटिंग के बारे में इन्होंने बताया कि साउंड्स को इमेज के साथ कैसे जो है मर्ज किया जाता है, वीडियो के साथ कैसे मर्ज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टिंग्स में होता है कि अब साउंड्स थोड़ा सा डमी आता है या डाउन्स हो जाते हैं, उस समय जो साउंड्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, तो ये टेक्निक्स हैं जो सिखाया गया है उन्हें, ये काफ़ी जो है हेल्पफुल है आगे भविष्य के लिए भी है। और हमें जो है जो चीज़ सीखे हैं हम दूसरों को भी इस चीज़ को अवगत कराएंगे, दूसरों को भी बताएंगे। जब हमने सोचा था इस वर्कशॉप को कराने के लिए तो हमने तब हमने महसूस नहीं किया था कि जो हमारे साथ सीखने के लिए जो लोग आएंगे इतने क्रिएटिव होंगे। एक छोटी सी थीम और उसके बाद सब लोग लग गए, सोच के लग रहा था कि कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन जब जो प्रोडक्शन आया वास्तव में कुछ तो बात थी उसमें। अब मुझे लग रहा है कि अगर वो ऐसे ही सीखते रहेंगे ना तो हमारे में से ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहीं ना कहीं मोबाइल के साथ फिल्म मेकिंग के लेकर जो अवार्ड्स होते हैं वो टॉप 10 में या फिर मैं ये कहूँ कि टॉप पे भी रहेंगे तो गलत नहीं होगा। बाकी इनकी मेहनत और इनका लक। स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन आज 2 दिन की वर्कशॉप पूरी कर रहा है और इन 2 दिनों में जो कैमरे की बेसिक चीज़ें हैं, प्रोडक्शन की बेसिक चीज़ें हैं, इन सब को यहाँ पार्टिसिपेंट्स को बताया गया। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फिल्म मेकिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी और अच्छे से अच्छा ये बच्चा जितने भी यंग जनरेशन है ये सीखे हैं और मुझे लग रहा है ये कुछ अच्छा काम ही करेंगे। स्टार्टअप मीडिया प्रोडक्शन की सभी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़े। आपकी इस बार जो है लगभग 20 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं और आशा है अगली बार इसमें शायद लोगों को मना भी करना पड़ेगा कि हमारी सीटें फुल हो गई, क्योंकि इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।